अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आप लोगों के लिए आज मैं लेके आई हूँ रेसिपी चना चाट की। स्ट्रीट फूड पे जो चटपटी चना चाट मिलती है, सेम लाइक वैसी ही रेसिपी है। आई होप सो आपको पसंद आएगी। चलो चलते हैं अब इसे बनाने का तरीका। सबसे पहले इसके लिए चाहिए चने। मैंने 1.5 कटोरी चने लिए थे और रात इसको भिगो दिया था। और फिर मैंने 5 आलू लिए हैं दरमियाने साइज़ के और इनको एक साथ ही उबाल लिया था 10 मिनट। और इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं और सिंपल मसाले हैं, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें डलता। इसमें नमक जो मैंने 1 चम्मच लिया है, चाट मसाला 1.5 चम्मच लिया है और ब्लैक पेपर 1 चम्मच लिया है और थोड़ी सी मैंने ली है सुरख मिर्च का पाउडर। और इसमें डलेगा इमली। इमली का मैंने अच्छी तरह पल्प से पानी डाल के अच्छी तरह जो डुबोई हुई थी इमली उसका पानी निकाल दिया। अच्छी तरह इमली डलेगी और इसमें 2 प्याज डाले मैंने दरमियाने साइज़ के, 1 टमाटर लिया है और 4 ग्रीन चिलीज़ लिए हैं। आप पे डिपेंड करता है कि आप स्पाइसी बनाना चाहते हैं, ज़्यादा भी यूज़ करते हैं और उसकी कम भी क्वांटिटी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी हो। अब इसमें मैंने एक तसला टाइप एक इस तरह खुली बर्तन ले लें, खुला बर्तन ले लें और इसमें चने डाल लिए ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए सब चीज़ें। और इसमें मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम छोटे छोटे टुकड़े करके डाल दिए आलू। अब इसमें हम प्याज टमाटर और ग्रीन चिली डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें डालेंगे मसाले जो 4 मसाले हैं। ठीक, लास्ट बट नॉट लीस्ट अब इसमें ऐड किया करेंगे हम इमली का पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा डालें पहले, देख लें मिक्स करके कि ज़्यादा खट्टा तो नहीं हो गया, थोड़ा सा बचा लें। देख लीजिए फाइनल लुक बहुत मज़े की बनी है। और आप टेस्ट करके नमक मिर्च ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और इसमें मैंने 1 टमाटर साइड डाला है छोटा सा, मुझे टमाटर कम लग रहा था। ओके, आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।